गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज जा रहे हैं हम लोग होगा नक्कल फॉल। तो मैं जा रहा हूँ, शलभ भाई जा रहे हैं, और ये आ गए भाई साहब। ये तो क्या है सर, भाई हम लोग हैं होसुर रोड पे, अभी जहाँ फंसे जाम में, जहाँ पे जाम भयंकर जाम लगा है क्योंकि आगे टोल टैक्स है, ट्रक की लाइन लगी हुई है। और ये है तमिलनाडु की सड़कें, कर्नाटका में शायद थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है, इसकी वजह से ना कैसा रहता है कि उधर में रोड्स बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर आते ही रोड्स बहुत अच्छी हैं। धुआंधार जो भी सिनेमैटिक्स देखे ना आपने, ये पूरा इस रास्ते का था, ठीक है। और रास्ता होगा नक्कल, पता नहीं मैं कभी बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, बट होगा नक्कल तक का रास्ता बहुत सुंदर है। अगर देखोगे ना इधर सामने, तो यार ये रास्ता जो है ना, बैंगलोर से थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, बट रास्ता ना बहुत सुंदर है यार। यहाँ पर आना वर्थ है, अभी तक जितना रास्ता देखा है, अभी भी पता नहीं हमारा डेस्टिनेशन कैसा है, बट यहाँ पर इस रास्ते पे आना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। रास्ता एंजॉय करना है और अपनी मंजिल तक जाना है, वहाँ पर बोटिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी होता है वो एक्सपीरियंस करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको पूरा एक्सपीरियंस कराएं। भाई वहाँ पे गोल वाली बोटिंग होती है, गोल गोल बोट होती है वहाँ पे, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, टोकरी। तो टोकरी में बैठ के आप ना बोटिंग कर रहे होते हो, बोटिंग कर रहे होते हो, खुद नहीं कर रहे होते हो बेसिकली, उसमें एक क्या बोलते हैं, नौवा नहीं, खिवैया, एक खिवैया आपको लेकर जाता है इधर उधर, थोड़ा फॉल्स वगैरह के नीचे। ट्राई करेंगे मोबाइल को बचाते हुए और जो है वाटरफॉल्स वगैरह का पूरा नेचुरल एक्सपीरियंस कराएं, तो देखते हैं, मतलब एक एफर्ट है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। इस बात पे गौर दे और ध्यान से सोच ले, वरना जीना छोड़ दे, अपन के मंदिर से निशाने कोई भी पटेल सामने आवे उसके तो हम। भाई सीन कुछ यहाँ पे बाइकर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, और मैं केटीएम देखता हूँ ना, मेरी पता नहीं क्यों फट जाती है, मैं एक ही साइड कर लेता हूँ भाई, जैसे ट्रक वालों को देखकर गाड़ी वाले कर लेते हैं ना भाई। केटीएम खतरनाक बाइक है, और गाड़ियों में वो लेवल ऑल्टो का है, जहाँ आपको ऑल्टो वाला दिखे भाई कोने में लगा लो गाड़ी, क्योंकि पहाड़ों की रानी ऑल्टो और मारुति 800। यार ये रास्ता है, मोहित बहुत ट्राई कर रहा था कि वीडियोस बना ले, ठीक है, ये रास्ता अगर एक्सपीरियंस करना है ना तो खुद आकर करो, रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, मैं ना बहुत कुछ नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। हेयर पिन बेंड है, ये मुड़े हम इधर से कब कब में आगे निकल जा रहे हैं, और ये बहुत धीमे चला रहे हैं, ये तो हम लोग ब्रेक ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है भाई, ये देख लो नंबर नोट कर लो, इसको चलाते होते बहुत धीमे चला रहे हैं। नहीं भाई वो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग शायद एंटर करें, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत कुछ है नहीं, बट ठीक है, जंगल वाला फील आ जाता है। टेंट वगैरह लेकर आए, मन करा तो यहीं पर लगाएंगे टेंट, सो जाएंगे बढ़िया 2-4 घंटा। तो ये है यहाँ की सीनिक ब्यूटी, मतलब पूरा पहाड़ अलग अलग कलर्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो कहीं कुछ जगहों पे मेरे को लाइट ग्रीन दिख रहा है, कुछ जगहों पे डार्क ग्रीन दिख रहा है, ब्रोकली जैसा लग दिख रहा है, ये ब्रोकली पहाड़ है। तो ये इधर भी देखोगे अगर, तो इधर पूरा लाइट ग्रीन, फिर डार्क हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, मतलब नेचर भी क्या, घर भी ग्रीन कलर के है। तो यार ये होगा निकल का रास्ता है, शीशा बंद कर, ये होगा निकल का रास्ता है, बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे को पता है मैं बार बार रास्ता दिखा रहा हूँ, बट रास्ता है इतना सुंदर कि मतलब मैं क्या छोड़ू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब कैप्चर करने का मन कर रहा है, तो शायद ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यूजुअल व्लॉग से, बट ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस कराना है ना। यहाँ पर कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर आई गेस कुछ टोल वगैरह कटता है या पार्किंग का, जो भी पैसा वगैरह लेते हैं ये लोग यहाँ पर, और फिर यहाँ से बचता है हमारा 15 किलोमीटर, मतलब 35 मिनट, डेढ़ बजे पहुंच जाएंगे, बट गुड टाइम टू कम इज मॉर्निंग, बिकॉज उस समय मौसम थोड़ा सा सही रहता है, सपोर्टिंग रहता है। होगा नक्कल तक पहुंच गए, पहुंचने के बाद पता चला जहाँ पर आप पार्किंग वगैरह के पैसा पे करते हो, वहाँ पर पता चला कि कुछ एक एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से अथॉरिटीज अब अलाउ नहीं कर रही है होगा नक्कल तक जाने का, बट वहाँ से हम लोग जब लौट ही रहे थे, तो एक कैब वाले भैया लौट रहे थे, तो उन्होंने हमें बोला कि आप होगा नक्कल के एंट्रेंस तक जा सकते हो, और वहाँ तक की ड्राइव बहुत अच्छी है, और वहाँ तक जाना अलाउड भी है। तो उस जगह तक पहुँचता हूँ और बताता हूँ एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ। बंदर बहुत सारे हैं, और अगर देख रहे हैं तो ये देखो भैया बैठे हुए हैं, भैया ये कैसे हो, बंदर मामा, तो बहुत सारे बंदर हैं, ये शायद कोई फॉरेस्ट एरिया ही है, जा नहीं सकते यहाँ पर, एक रिवर देखी है, दीपक और मोहित गए हैं आगे, तो ये देख, पता नहीं देखो शायद देख रहे हैं कि नहीं, ये दोनों आ चले आ रहे हैं, आगे तो बंद है, देखते हैं क्या होता है आगे का, कैसे रहता है यहाँ पर। गाड़ी भैया लोग की पंचर हो गई थी, तो अपने पास इन्फ्लेटर था, तो हेल्प कर दी पुलिस ने, जो जैसा उन्होंने बताया था, पुलिस ने हमें वहाँ से वापस भेजा,
बट हमें वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स जो थे उन्होंने हमें रोका वहाँ पर और बोला कि 1,000-1,500 रुपये देकर वो हमको हर जगह घुमा सकते हैं। बट अब क्योंकि अथॉरिटीज़ ने मना करा हुआ था तो वहाँ पर जाना सेफ नहीं था, इसलिए वी डिसाइडेड कि जो जिस पॉइंट तक पुलिस अलाउ कर रही है उस जगह पे भी एक अच्छा व्यू था जहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और बैठ के फिर वापस आ गए क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा बचा था नहीं था करने को, बट ये भी पार्ट अच्छा था। तो देखो आगे किस जगह पे हम बैठे, बिल्कुल रिवर बैंक था जहाँ पर हम बैठे, चेयर्स वगैरह सेटअप करी। तो भाई यहाँ पर साइड में कहीं पे एक रिवर टाइप का है, कुछ रिवर बेड नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली, या पता नहीं, मतलब मैंने अभी देखा नहीं है, जितना इन लोगों ने मेरे को बताया इधर कुछ रिवर टाइप का है, तो देखते हैं क्या है। ये तो थोड़ा सा जंगल टाइप का कुछ हो गया है सीन। ओ ये तो भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर ये व्यू है। हाँ भाई क्या माहौल। तो यार अब वो कहते हैं ना, फटे तो फटे शान ना घटे, तो इसलिए यहाँ पर ये सेटअप करके बैठ गए हैं। अब इतनी दूर आने के बाद पता तो चला है कि हो गया निकल, पता नहीं कौन सा फॉल है, वो तो बंद है यार क्योंकि फ्लो अगर देख रहे हो पानी का तो ये बहुत तेज है। तो आई एम नॉट श्योर कि अगली बार कब आ पाएंगे, बट ज़रूर आएंगे क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा था। तो ये पूरा देखो सेटअप, बढ़िया सा एक फील है, थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ करो और यही है लाइफ। रुक जाओ, दोनों लोग बोले जा रहे हो, क्या हो गया, शर्ट वर्ट उतारो, काहे लड़के की शर्ट उतरवा रहे हो। हम बोल रहे हैं ना, जहाँ डुबकी की लगा जाओ भैया, जाओ गंगा भैया कर लो एक बार। हम लोग कैंपिंग का पूरा सेट लेके आए थे तो यहाँ पे क्योंकि अब तो कट चुका है, मैगी का कोई बंगा नहीं है। कैंप है मेरे पास, कैंप लाया हूँ, कैंप से मजा नहीं आएगा, पूरा सेटअप चाहिए। हाँ पूरा स्टोव और मैगी ना नहीं पाएंगे, गंदा भी है पानी क्योंकि मड वाटर भी आ रहा है ना। अब ये भाई देखो ये रिस्क ले रहा है यार, हड्डी मत तोड़ना बस। हाँ अब भाई रिस्क मत लो यार, अरे कहाँ जा रहे हो, बहुत गंदी वाली। अब यहाँ जूता उता खोल के बैठा है, कपड़ा वपड़ा खोलेगा एकदम यहीं पर, कपड़े निकल रहे। लौंडा गिर गया था नदी में, लड़का गिर गया था नदी में, गिर गया, हमने फिर उसको भेजा कि जाओ फिर से गिर के देखो, हम कैप्चर करेंगे। शॉर्ट शर्ट के चलोगे, शॉर्ट क्या करोगे, जींस उतार दो सूख जाएगी, स्विम सूट है, वाह। तो यार ये भी हुआ है, यहाँ पर आए हैं हम लोग और ये पूरा ग्रीन है, ये पूरी बेल्ट ग्रीन है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में और पॉल्यूशन नहीं है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। हम लोग बिल्कुल नीचे गए हुए थे, अभी पूरी गाड़ी चढ़ाकर हम लोग वापस आए हैं, वो अलग रास्ता दिख रहा है इस जगह पे, तो उस रास्ते से हम पूरा चढ़ाते हुए गाड़ी वापस लौटे हैं और मोहित भाई लगे हुए हैं यहाँ फोटोज़ खींचने में और ये दोनों भाई पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई, दोनों फोटो खींच दे रहे हैं भाई। बट फाइनली एक जगह कुछ खाने के लिए मिल गया है, ये है S2F कैफे करके, बिल्कुल रिवर बैंक था जहाँ पर हम बैठे, चेयर्स वगैरह सेटअप करी और बैठ के थोड़ी देर बातें वगैरह करी और थोड़े मजे लिए इसके जरा इधर इस ये एक जगह भाई साहब पानी में घूम रहे थे, तो पानी में घूमते घूमते ये जो है एकदम से उसमें सटक गए, पानी में गिर गए, तो गिरने के बाद वो मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ था, फिर इसको दोबारा बोला कि इसको क्योंकि कैप्चर करना है, ठीक है बिल्कुल सेफ जगह थी, कैप्चर करना है, तू जाकर फिर से गिर, और ये भाई फिर से गए और फिर से वहाँ गिरा है। तो ऐसे इस तरीके से थोड़ा टाइम स्पेंड करा और फिर कट गया हमारा, क्या कर सकते हैं, ठीक है वो क्या